Edele. पीटर, जरा देखो अपनी हालत। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो, फिर भी ये दुनिया तुम्हें चुनने पर मजबूर करती है। दोस्तों, आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉम हॉलैंड स्टारर हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन और अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी पुष्पा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उनके कंपैरिजन के बारे में, और जानेंगे कि किस मूवी ने ज्यादा कमाई की। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया स्टारर हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया स्टारर फिल्म स्पाइडरमैन इंडिया में 16 दिसंबर से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन मूवी को इंडिया में 3300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ये एक सुपरहीरो मूवी है। इस मूवी का निर्देशन जॉन वॉट्स ने की है। स्पाइडरमैन मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट लगभग 1500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी कोरोना महामारी में भी इंडिया में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, और स्पाइडरमैन मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 32,67,00,000 रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी, जबकि यह मूवी दूसरे दिन 20,37,00,000 रुपए की कमाई की थी। अगर बात करें इस मूवी के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी तीसरे दिन 26,10,00,000 रुपए की कमाई करने में सफल रही थी, जबकि यह मूवी चौथे दिन यानी रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 29,23,00,000 रुपए का कारोबार किया था। वही अगर बात करें स्पाइडरमैन मूवी के पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी पांचवें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12,10,00,000 रुपए की कमाई की थी। अगर बात करें इस मूवी के छठवें दिन यानी मंगलवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो स्पाइडरमैन छठवें दिन यानी मंगलवार को 10 करोड़ रुपए का कारोबार करने में सफल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से स्पाइडरमैन मूवी का पहले 6 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 131 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि इस मूवी का पहले 6 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 166 करोड़ रुपए हो चुकी है। वही अगर बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो स्पाइडरमैन मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 5000 करोड़ रुपए हो गई है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो स्पाइडरमैन मूवी ओवरसीज मार्केट में अब तक 2,750 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। वही अगर बात करें इस मूवी के सातवें दिन यानी बुधवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार यह मूवी सातवें दिन यानी बुधवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के बावजूद भी ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। पुष्पा मूवी को इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जबकि ओवरसीज में यह मूवी 1000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से पुष्पा मूवी वर्ल्ड वाइड 4000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का निर्देशन सुकुमार ने की है। पुष्पा मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट लगभग 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी कोरोना महामारी में भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, और पुष्पा मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 45,56,00,000 रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी, जिसमें से अकेले तेलुगु वर्जन का कलेक्शन 38,15,00,000 रुपए रहा था, जबकि तमिल वर्जन में ये फिल्म पहले दिन 2,55,00,000 रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। अगर हिंदी वर्जन के कलेक्शन की बात करें तो पुष्पा मूवी का पहले दिन का हिंदी वर्जन का कलेक्शन 3,11,00,000 रुपए रहा था, जबकि इस मूवी का दूसरे दिन का कलेक्शन सभी भाषाओं को मिलाकर 30,80,00,000 रुपए रही थी। अगर बात करें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की इस मूवी के तीसरे दिन यानी रविवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी तीसरे दिन यानी रविवार को सभी भाषाओं को मिलाकर 33,18,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि यह मूवी चौथे दिन 16,70,00,000 रुपए की कमाई की थी। अगर बात करें इस मूवी के पांचवें दिन यानी मंगलवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो पुष्पा मूवी पांचवें दिन यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग 14 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से पुष्पा मूवी का पहले पाँच दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 141 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि इस मूवी का पहले पाँच दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ रुपए रही है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो पुष्पा मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 187 करोड़ रुपए हो गई है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी ओवरसीज मार्केट में अब तक 22,30,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी है।
वही अगर बात करें पुष्पा मूवी के 6वें दिन यानी बुधवार के दिन के कलेक्शन के बारे में, तो अभी तक जो ऑक्युपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये मूवी 6वें दिन यानी बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के बावजूद भी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों अगर आपने दोनों मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।